नमस्कार, हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पर ले आते हैं और उसमें जहर घोल देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है हमारे सामने जब हम आने वाली चीज़ों को, आने वाली प्रॉब्लम्स को आज पे ले आते हैं और वो हमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर देती हैं। इसीलिए हम आज आपको एक कहानी सुनाएंगे, बिना भैंस के दूध दही। जब भैंस ही नहीं है तो दूध और दही की टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। गांव में रहता था निर्धन किसान परिवार और पति पत्नी मिलकर चला रहे थे किसी तरह घर बार। दोनों मिलकर खूब परिश्रम खेतों में करते थे, फिर भी अच्छी तरह उनके पेट कभी भरते थे। एक रोज की बात है, दोनों बैठे थे आंगन में और पति अपनी पत्नी से बोला, अति प्रसन्न हो मन में, सुनो प्रिय, इस बार फसल अपनी भी अच्छी होगी, खाएंगे भर पेट और घर में कुछ लक्ष्मी होगी। यह सुनकर पत्नी हो गई फूलकर कुप्पा, बोली, ओ मेरे होने वाले बच्चे के पप्पा, घर में लक्ष्मी आएगी पर नथुनी गड़वाऊंगी और बन ठन कर शहर सनीमा देखने जाऊंगी। नहीं नहीं, यह फिजूल खर्ची मैं कभी न होने दूंगा, बचे हुए 5 पैसों से एक अच्छी भैंस खरीद लूंगा। पत्नी बोली, खूब चक्कर बात रही है पक्की, और दूध दही की घर में होगा, होगी खूब तरक्की, कुछ बेचूंगी दूध दही, कुछ मैके ले जाऊंगी और थोड़ा दूध दही मैं अपने घर पर भिजवाऊंगी। इतना सुनकर उछल पड़ा पति आग बबूला होकर और लगा पीटने पत्नी को मोटा सा डंडा लेकर। पीट पीट कर कहता, तू घर को लुटवाएगी, मेरे घर का दूध दही तू मैके भिजवाएगी, यदि इस घर का दूध दही तू मैके भिजवाएगी, टांगे दूंगा तोड़, मोटाई सारी झड़ जाएगी। यह सब देख पड़ोसी अपना डंडा लेकर आया और पति के घूबड़ कूबड़ पर जोर से 4 बार छटकाया। डंडे खाकर 4 रह गया पति अब हक्का बक्का, बोले, हमको मार रहे हो क्यों पड़ोसी कक्का। कहा पड़ोसी ने, देखो चलकर तुम साथ हमारे, आज तुम्हारी भैंस हमारे खेत चर गई सारे। पति बोला, ए कक्का इतना झूठ न बोलो ऐसे, और भैंस नहीं पाली जब मैंने, खेत चर गई कैसे। कहा पड़ोसी ने, तपाक से सुनबे वो गन चक्कर, बिन भैंस नहीं तो मार पीट का कैसा है ये चक्कर, बिना भैंस के दूध दही की धार बहेगी कैसे, और दूध दही जब नहीं था तो ये मैके भिजवाएगी कैसे। सुनकर सारी बात समझ में जब किसान के आया, हंसकर अपनी पत्नी को तब उसने गले लगाया। हम भी अपनी लाइफ में बहुत बार उस आने वाली भैंस को, जिसको हम खरीदने वाले नहीं हैं, उसके लिए दुनिया भर की प्लानिंग करने लगते हैं, सोचते हैं ये करेंगे, या फिर सैलरी जो हमारी बढ़ी नहीं, जो प्रमोशन हमें मिले नहीं, उनके लिए हम आने वाली प्लानिंग करके होम लोन्स ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर। जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमें बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। इसीलिए आप बिना भैंस के दूध दही मत करिए, बिना भैंस के दूध दही का प्लान मत कीजिए, और आप ये भी उसकी और बीबी की तरह भी मत बनिए कि बिना किसी चीज के वो मैके भिजवाऊंगी, सनीमा देखने जाऊंगी। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना कम से कम हो उतना रखिए, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं असीम रखिए, बट लालच कम से कम रखिए। जय हिंद।